हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसके धांसू फीचर्स के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक ने दीपावली के मौके पर अपना सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के साथ साथ एक बार फिर अपनी इलेक्ट्रिक कार की नई झलक भी दिखाई है। कंपनी ने लॉन्च इवेंट वीडियो के अंत में ओला इलेक्ट्रिक कार का टीजर ऐसे दिखाया है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का टीजर हो। नए टीजर वीडियो में पहली बार इलेक्ट्रिक कार के इंटीरियर का खुलासा हुआ। इसके अलावा भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता से पहली इलेक्ट्रिक कार से क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी सामने आई। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने किफ़ायती स्कूटर S1 एयर को भारतीय बाज़ार में पेश किया है। इसके कुछ दिन बाद ही ब्रांड ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का दूसरा टीजर भी जारी कर दिया है। इस टीजर में नई कार का फ्रंट लुक और इसके वियर शेप का स्टीयरिंग व्हील दिखाया गया है। इसके अलावा इस ई कार में और भी कई शानदार फीचर्स देखने की उम्मीद है। ओला इलेक्ट्रिक ने नए टीजर में कार नीले रंग की नज़र आती है। टीजर में दिखाए गए लुक में सबसे पहले बोनट पर एक LED लाइट ट्रिम दिखाई देती है। ये डुअल हेडलैम्प LED सेट है। वहीं इसमें बाकी गाड़ियों में मिलने वाले गोल स्टीयरिंग व्हील की जगह हेक्सागोन स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। साथ ही सारे कंट्रोलिंग बटन को हाथों की पहुँच के पास रखा गया है। कार में सबसे ज्यादा आकर्षक है मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ी फ्लोटिंग डिजिटल इन्फोटेनमेंट स्क्रीन होगी। डैशबोर्ड के चारों ओर इनबिल्ट लाइटिंग भी दिखाई दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक कार रेंज की बात करें तो इसमें सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर प्रति घंटा चार्ज की रेंज मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसे अब तक की सबसे स्पोर्टी कार होने की बात कही गई है और महज 4 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने का दावा किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने पर ऑल ग्लास रूफ, अपने सेगमेंट में पहली और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी सुविधाओं के साथ आएगी। ओला इलेक्ट्रिक कार का निर्माण बेंगलोर के पास ओला के फ्यूचर फैक्ट्री में किया जाएगा। ये वही प्लांट है जहां पर S1 प्रो और S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण किया जा रहा है। एक बार पूरी क्षमता से काम करने के बाद कंपनी को हर साल 1 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।